तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का ओसाका में। आज हमारा आखिरी दिन है ओसाका में, तो पता नहीं क्योटो की वीडियो में पहले डालूंगा बाद में डालूंगा क्या सिस्टम है वो मेरे को डिसाइड नहीं करा है मैंने तो, पर ये आखिरी है और कल हम गए थे क्योटो। तो अभी सुबह सुबह हम जा रहे हैं भाई एक फूड टूर का वीडियो देने, मतलब खाना जब अपनी लोग क्या खाना खाते, मतलब खाते तो सब कुछ हैं ये, एक तरह से कोई मतलब जानवर छोड़ते नहीं है जो ना खाते हों, ऑक्टोपस से लेकर सब खाते हैं मतलब ये लोग, ठीक है। तो अजय भाई जो अपने 2019 में मिले थे और वो घुमाएंगे आज हमको, उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिया हमारे लिए और उन्होंने भी यूट्यूब वगैरह शुरू कर दिया है। तो निप्पोन बाशी एक जगह बुलाया है उन्होंने, अभी तो सीधा सीधा चलना है और फिर वहाँ पहुँचेंगे, देखते हैं भाई क्या खाना है। और ना आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि उसको हो रहा था कि भाई जापान आए जापानी खाना खाएंगे, यार जापान आए जापानी खाना खाएंगे, खा लियो वो ऑक्टोपस चिपक जाएगा तेरे गले में, सांस नहीं आएगा, तो प्रॉपर्टी में नाम करा दियो मर मरा जाए तो, ठीक है। ये देखो वीडियो में हाँ भर रहा है, पर अगर ऑक्टोपस से मरा तो प्रॉपर्टी मेरी ना, चलो ठीक तो डेथ कॉज ऑफ डेथ में दिखाना पड़ेगा, और अगर नहीं मरा तो डाइट भी, तो अच्छी बात है तेरी रहेगी वो तो भाई चलते हैं अजय भाई के पास और देखते हैं भाई क्या फूड का टूर मिलता है, क्योंकि यार यहाँ का जो ईजा का है ना, ये मतलब जैसे छोटे छोटे बार कहते हैं जैपनीज बार, मतलब वहाँ पे ये खाने के साथ बियर वगैरह तो पीते ही हैं तो उसका नाम बार रख दिया, पर खाने का भी मिलता है, पर आज तक हमको समझ में ही नहीं आया कि उसके अंदर जाके ऑर्डर क्या करना है। तीसरी बार आ चुका हूँ जापान और आज तक मैं ढंग से कोई ईजा का में गया नहीं हूँ, तो ट्राई करते हैं वहाँ भी जाएंगे। ये है दुनिया की सबसे जहरीली फिश और ये अभी काट रहे हैं उसी फिश को भाई, पहली दुकान पे रुके। ये क्या है, मतलब मिठाई में है ना ये, तो ये तो स्वीट स्नैक में आता है, हाँ। जो मोची होती है ये चावल का पेस्ट होता है, हाँ। उससे बनाते हैं, तो इसके अलग अलग वेरिएशन मिल जाएंगे, बीच में आपको राजमा मिल जाएगी और या फिर स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, आगे और भी शॉप्स होंगी, डिजाइन वाली भी होती हैं। तो सबसे बढ़िया स्वीट कौन सी लगती है आपको जापान में? डांगो, डांगो यहाँ मिलती है, डांगो हाँ वो मिल जाता है, उसमें सिर्फ बॉल्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। तो ये भाई यहाँ पे केकड़े देख लो, ये तो मतलब ये कह रहे हैं वैसे तो सॉफ्ट है, वैसे हाथ नहीं लगा सकते, ये इंडिया वाला सिस्टम नहीं है, जो खरीदेगा वही लगाएगा हाथ, ये 8,000 का 6,000 5,000 मतलब छोटी 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 ऐसे ट्रे। ओसाका, ओसाका को वैसे बोलते हैं जापान का ना किचन, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड वगैरह टाकोयाकी वगैरह बहुत फेमस है जापान में, ये मैंने खाई है और इसका टेस्ट स्नेल, इसके मैंने टट्टी खाई नहीं लेकिन टट्टी का अगर टेस्ट होता होगा ना तो ऐसे ही होता होगा। ये है क्रैब का सिर, इसको क्या खोल के, इसको खोल के सिर जो दिमाग होता है ना, हाँ। उसको उसमें कुछ कर करा के चीजें डाल डोल के फ्राई, हाँ। करके क्रैब के सर में ही परोस देते हैं वो भी। यहाँ पे देवांगने का कुछ खाना शुरू करते हैं, तो बड़ी हिम्मत करके अजय भाई ने कहा यार यहाँ का क्रैब खा सकते हो, हाँ। सही है, हाँ। वो तो स्नेल से सही है, स्नेल से तो बहुत बेहतर है आपको क्या कहेंगे इसको, मैक केकड़ा मैक क्रैब, हाँ। तो इसमें क्या है, इसको ना स्टीम करते हैं, अच्छा। तो स्टीम करने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसका एक एक रेशा अलग हो जाता है, अरे हाँ। और इसमें कोई भी, तो मतलब ये तो सही करा हुआ है, मतलब वो तो खाना मुश्किल होता है कि पहले इसकी शेल तोड़ो फिर अंदर से, भाई ये खा रहे हैं केकड़ा, पर बात ये है इसके साथ मोमोज वाली चटनी होती तो मजा ही आ जाता है क्यों टेस्ट तो है नहीं कुछ, हाँ। तो मतलब तो वही है, घर से लाना पड़ेगा क्या पता यहाँ जापानीज में रूल हो, रूल क्या मतलब वो अच्छे मैनर्स और बैड मैनर्स होते हैं, अभी जैसे इनके खाने में मैं खुद से खींचना ऐसे नहीं करना होता, ऐसा वो रहता है कि रूड मानते हैं कि खींचना भी नहीं होता, खींचना भी नहीं होता, चम्मच से ना खाना पास नहीं करना होता, झूठा होता है ना मुंह में, अच्छा वो तो चलो ठीक है, तो ये वो होता है सोशल मैनर्स, दूसरा होता है कि यहाँ जब खाना खाते हैं ना तो चावल में ऐसे गाड़ नहीं सकते चॉपस्टिक्स, उससे क्या होता है क्योंकि यहाँ पे ना जो कोई मर जाता है डेस्टरी में नहीं होती ना किसी के, तो वहाँ पे खाने के बाद ऐसे गाड़ देते हैं, तो उसको डेली लाइफ में करते हो तो
ऑक्टागन टाइप का वो उस तरह से एक इमेज बनी हुई है, तो वो चीज़ नहीं करते। खाना परोसने के लिए अलग से एक चॉपस्टिक होती है, उसको यूज करके, जैसे अपने इंडिया में नहीं चावल देने के लिए अलग होता है, हम अपने चावल से नहीं खाते। चॉपस्टिक्स के बारे में भी एक बात थी, चाइना जापान और कोरिया की, मैं तीनों कंट्री गया हूँ पर मैंने नोटिस नहीं किया। चाइना जापान और कोरिया की चॉपस्टिक अलग अलग होगी, तो चाइना की चॉपस्टिक होती है लंबी होती है, क्योंकि उनके खाने ना एक गर्म बोल में परोसे आते हैं, तो लंबी चॉपस्टिक होती है, तो भाप वाप ना लगे ना, इसलिए लंबी चॉपस्टिक होती है उनकी। और कोरिया में मेटल की होती है, उसको ऐसा बोलते थे, पता नहीं, दो तीन थ्योरी हैं कि चांदी की चॉपस्टिक यूज़ करते थे और फैमिली में रिचनेस दिखाने के लिए, कई लोग कहते थे कि अगर जहर डाला होता है तो उससे पता लग जाता था सिल्वर का, वो क्लियर नहीं, लेकिन कोरिया की मेटल की होती है, जापान की नहीं, मीडियम साइज होती। तो आप गए हो कोरिया? कोरिया नहीं गया, चाइना, चाइना भी बाहर नहीं गया, ट्रांजिट पे था। ऐसी व्याकुलता, मन की व्याकुलता। वेज का तुमको जो है जापान में ना यही इस तरह के आइटम मिलेंगे स्ट्रीट फूड में, तो ये वो है फर्मेंटेड ना अचार टाइप का, जैसे इंडिया में बोलते हैं मसाले में लगा के कई टाइम तक रखते हैं उसके बाद में, तो ये उस तरह का सामान है। भाई ये वाली क्या मछली का नाम है इसका? फुगु है। अगर मैं इस मछली को भी टच कर दूँ ना तो मछली फूल के गुब्बारा बन जाए, मतलब गोल हो जाएगी बिल्कुल, तो मैं छू दूँ, मैं भी टच कर दूँ इसको, फूलने से पहले ना इसका दुकानदार फूल जाएगा, क्योंकि ये 2-3 हज़ार की मछली, 20-30 हज़ार तक की मछली होती है। अच्छा, और इसको मतलब लाइसेंस ही होता है ना काटने के लिए? लाइसेंस ही होता है इसके ना, सर्टिफाइड शेफ होते हैं तो वही उनको कट कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल स्ट्रीट शॉप में कुछ ही शॉप पे मिलेंगी यहाँ पे, और कुछ ही रेस्टोरेंट में ही मिलेंगी। भाई ये स्क्विड्स, ये ना वो ये ईल है, ये छोटा स्क्विड। अच्छा ये अर्जुन, जब तक मना ना करे रिकॉर्ड करते रहो, ये देखो। अबे ये तो वो वाले क्रैब लग रहे हैं मेरे को, ये जो इसका, इन क्रैब का खून ब्लू होता है शायद, पता नहीं क्या होता है। तो भाई ये बता रहे थे कि चलो केकड़े ठीक है जिंदा पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं, पर ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, जैसे फैमिली मार्ट में बेंतो खरीदते हैं ना, बेंतो के अंदर, उसके बेंतो के अंदर जिंदा केकड़ा मिलेगा, चल रहा होगा, अभी दिखाओगे ना? हाँ दिखाता हूँ। ये मतलब वो है कि बंदा खुद ही मारे उसको, फिर मारेंगे कैसे उसको? उसको वही घर पे ले, घर पे ले जाके कैसे कैसे मारेंगे, मारते कैसे? मैंने तो मारा नहीं कभी घर ले। अच्छा नहीं लेके गए आप? अच्छा भाई हमसे होएगा भी नहीं, इंडियन से ये काम नहीं हो सकता कि मतलब मार दे हम किसी को, मतलब खा लेते हैं हम पर मार नहीं पाएंगे किसी को। चलो अब आगे घूमते हैं, यही मार्केट चल रही है, बस एंड आ गया ना शायद। अभी मिल रहा है पिकाचू, 1500 yen का ही है। ये वो वाला ऑक्टोपस जो वो बोल रहा था ना, इसके सर में अंडा डाल देते हैं पिछवा ये उसी का टॉय है। ये अच्छा, ये मुंह है कि पीछे? भाई केकड़ा जिंदा ही है। तो भाई टोक्यो में जो है ना, टोक्यो में बोली भी लगती है मछलियों की, है ना? हाँ मछलियों की ना ब्रीडिंग होती है, सबसे अच्छी मछली हो गई, सबसे बड़ी हो गई, जिसमें कम घाव हो, इस तरह की मछली की बोली लगती है। अच्छा, और वो रेस्टोरेंट वाले खरीदते हैं और उसको फिर इस तरह से पब्लिसिटी करते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी मछली ऑक्शन में हमने खरीदी है, तो हमारे यहाँ वो खाने आ सकते हैं। तो मतलब वही है। और ये जो मार्केट बता रहे थे ना, ये है मतलब यहाँ पे गरीब लोग आके खरीदते हैं कपड़े, है ना? गरीब नहीं, बूढ़े लोग, वैसे अचनम के कपड़े कौन ही पहनता है, बूढ़े लोग जो हो गए तो वो लोग यहाँ से खरीद लेते हैं, सस्ते मिलते हैं। ये सेकंड हैंड होते हैं कपड़े? सस्ते भी होते हैं, सेकंड हैंड तो नहीं, सेकंड हैंड के अलग शॉप्स हैं। अच्छा, सेकंड हैंड गुच्ची उच्ची सब, जॉर्डन वॉर्डन सब सेकंड हैंड मिलते हैं। तो यहाँ से बूढ़े लोग क्यों खरीदते हैं ऐसे? उनको क्या चाहिए फैशन का, उनको थोड़े से अपने पुराने जमाने के कपड़े, ब्रांडिंग नहीं होती इस तरह के कपड़े, हल्के फुल्के जो सस्ते मिल जाए ऐसे कपड़े। भाई जैपनीज स्वीट की दुकान, इसका नाम है मोची, डिस्को मोची बोलते हैं। हाँ मतलब दुकान का नाम नहीं, डिश को मोची बोलते हैं, वो जूते सही करने वाला नहीं, इनके डिश का नाम है मोची। तो मतलब चावल से बनी होती है और मीठी मीठी सी होती है, काफ़ी सारे वेरिएशन है। चावल नहीं है तो मच्छी लग रही मेरे को। हाँ मतलब ये तो सब ऐड कर ही देते हैं, मेन तो वही है। ये जो क्रैब और ये होते हैं ना लॉबस्टर वगैरह, इनको अक्सर कम टेम्परेचर पे यहाँ पे रखते हैं और लोगों को लगता है मरे हुए हैं, क्लॉ बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ये थोड़े से गर्म टेम्परेचर में आते हैं ये हिलने डुलने लगते हैं, इसीलिए इनको थोड़े से कम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि हाइबरनेशन में चले जाएँ, थोड़े से ऐसे बैठे रहते हैं। नॉक करोगे या पकड़ोगे तो थोड़े से तुम्हें मूवमेंट दिखाई देगी। तो जो भी तुम्हें सड़क पर दिख रहे हैं ना कि बंधे हुए हैं, शायद मरे हुए हैं, जिंदा है। नहीं तो जब सारे केकड़े देख रहे हो ना भाई, ये जिंदा है, अब बर्फ में रख रखे हैं बस। अरे पैकेट में बंधे हैं तो जिंदा है ये, कोई खरीदेगा फिर इनको बाहर निकाल के मारेंगे? मोमेंट आ चुका है ऑक्टोपस खाने का, और अगर
ऑक्टोपस खाने का दिमाग नहीं मरा तो योर प्रॉपर्टी सेफ ब्रो। ये हमने ले लिया ऑक्टोपस और मैं चाहता हूँ ये कहीं पे डूबा हुआ ऑक्टोपस गले में अटक जाए इसके। इसमें अंडा है क्या इसके सर में? देखो भाई अगर अगर ये मर रहा हो ना तो बचाना नहीं, आधी प्रॉपर्टी आपकी। मुंह से झाग साफ कर देंगे बस। यार मेरे को तो अजीब लग रहा है। 100 ग्राम ऑक्टोपस थे टोटल, 102 ग्राम थे, हमने दिए इसके 600 येन, 612 येन। मैं तो ले ले कैमरे में, मैं आ रहा हूँ। हाँ कैसे है? खराब बढ़ती है यार। हाँ मतलब इंडियन रेस्टोरेंट चलो। भाई गोप्रो तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं से भी फेंक दूं टूटेगा नहीं। ओ सर खा गए, सर कलम कर दिया। अंडा है नहीं इसमें। ये तो स्कैम हो गया। खा के देखना, आधा काट के देखना भाई। एक चीज मैं भी खा गया ठीक है, पर यार पता नहीं कैसे खा गया मैं। पहले तो उल्टी आने को हो गई, पर फिर अब मैंने कहा उल्टी करूँ यहाँ पे, खा ही गया फिर मैं। यहाँ पे हम आ गए इंडियन रेस्टोरेंट, और पता है अगर आप मैं बताऊँ तो जापान खाने के मामले में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है भाई। मतलब अगर डेवलप्ड कंट्री से मैं कंपेयर करूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड में भाई मेरे को एक चिकन करी प्लस राइस इतने से मिले होंगे 2400 रुपये के, और यहाँ पे आप पूरी बड़ी थाली ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 येन की मिलेगी आपको थाली जो पूरी बड़ी होती है, जिसमें नान राइस 3 सब्जी लस्सी मिठाई पापड़ वापड़ मतलब मिल जाएगा सब कुछ 1800 येन, कुछ 1100-1100 रुपये करीब होते हैं। तो मतलब जापान के हिसाब से एक जो चीज़ जापान में सबसे सस्ती है वो है, मतलब अफोर्डेबल है वो है खाना पीना, इंडियन खाना। नहीं नहीं सारा यहाँ पे तूने ऑक्टोपस खा के आगे 600 येन के मिल गए। मछली की बात कर रहे थे जैसे जिनकी नीलामी होती है, तो ज़्यादा ही बड़ी होगी भाई ये तो, कम से कम इससे बड़ी होगी, 5 फुट की तो लगी रही है मेरे को ये। यार इसी तरह से प्रमोट करते हैं। नहीं यहाँ तक लेट, उसके साथ जाके लेट जा। ये देखो भाई सुशी रेस्टोरेंट कैसे डिज़ाइन कर रखा है। ये सुशी है देखो, ऊपर जो लगी है ना लाल कलर की वो मछली होती है और वाइट कलर का चावल होते हैं। हाँ सही कह रहे हो। क्या कह रहे थे ऐसी जैकेट दे वहां को जो ये बंदा जा रहा है पहन के। तो भाई ये हम घूम रहे हैं अब दोतनबोरी है ना, ये दोतनबोरी मतलब सबसे फेमस है ये स्ट्रीट फूड वाला इलाका, स्ट्रीट फूड शॉपिंग का नहीं है ये। हाँ शॉपिंग भी है, शॉपिंग भी है, देखी तो नहीं शॉपिंग की, खा नहीं खाने की। देखो इस तरफ भी खाने का बाजार, इस तरफ भी खाने की कनॉट पैलेस, दिल्ली का कनॉट पैलेस है ये तो मैंने बता रखा है नाम्बा। तो देख रहे हैं इसको थोड़ा मीठा खाना है। ये हम आ गए भाई तैयाकी खाने, ये इनका होता है मतलब मीठे में। ये है इसके अंदर राजमा भरा है, इसके अंदर स्वीट पोटैटो और इसके अंदर कस्टर्ड, और ये आ गई आइसक्रीम आपकी वो मैचा और नॉर्मल ग्रीन टी वाली, और ये वनीला कह लो इसको। क्या खाएगा तू? मैं कस्टर्ड, मैं भी कस्टर्ड खाऊंगा। ये खा के दिख लिया मैंने, इतना अच्छा लगता मेरे को, मैंने खाया था सुबह उस दिन। क्या पता ये वो ना हो भाई, वही मुझे ध्यान आ गया ना, गरम था, गरम था वो। नहीं वो मैंने था ना बेकरी से, अच्छा उसके अंदर भरा हुआ था ब्रेड के अंदर, मैंने कहा ये क्या है मीठा, ये लाल लाल से क्या मीठा है, वो राजमा ही था। ओके तो कस्टर्ड ही खाते हैं, कस्टर्ड तू आइसक्रीम खाएगा? हाँ मैं ग्रीन टी आइसक्रीम। ये आ गई मेरी आइसक्रीम। कितने का मिला भाई ये तीनों चीज़ें? ये 280 230 ये 230 की है। तो फाइनली आ गए मीठा खाने का। क्या है ये? एक तो राजमा है, मीठा राजमा। अच्छा अरे उस दिन मैं लिया सुपर मार्केट से तो राजमा ही थे उसमें जो खाता मैंने नाश्ते में। ओके दूसरा स्वीट पोटैटो है, ओके दूसरा कस्टर्ड है, ये आइसक्रीम है। लो भाई आइसक्रीम आ गई तेरी। क्या है, पान फ्लेवर है क्या है? हरा हरा ग्रीन टी, ग्रीन टी। तो ये क्या आइसक्रीम को किस में डाल के देते हैं क्या? ये बिस्किट टाइप, बिस्किट में आइसक्रीम। अच्छा जी ये इंटरेस्टिंग है, चलो ट्राई करते हैं। तो ये यही है एक्चुअली, इसमें सब में डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग है। शेप मच्छी की दे रखी है, अंदर मच्छी नहीं है। तो मैंने खा के देखी अभी, अच्छी है आइसक्रीम अच्छी, लेकिन कुकी इतनी अच्छी नहीं होगी ऊपर ना। ये बड़ा अच्छा है,
ले खा ले। अरे पता है क्या, लास्ट टाइम ना हमने बनाई थी वीडियो, वहाँ कौन सी कंट्री थी, वो स्पेन था इटली था, जहाँ पे हम बाहर सोए थे सड़कों पे, तो किसी ने पता नहीं क्या करा, किसने बनाई वो बनाई शॉर्ट बना के ना कि देखिए जब नवानपुर के पैसे खत्म हो गए किसने खाई उसे सैंडविच। ये तो अच्छा, ये अच्छा तो बढ़िया है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है, पर अब गर्म खाता तो मज़ा ही आता है, आइसक्रीम गर्म खाता। क्लोज अप एकदम नाक लाल भाई की ब्रेन फ्रीज हो गया। मैंने सोचा आखिरी खा लेता पूरा भाई। तो भाई ये देखो, ये दो तुन बोरी की कनाल टाइप है, मतलब नहर कह सकते हो, और इसका एक किस्सा बता रहे थे अभी साल भर पहले, यहीं इस तरह के जो पुल के नीचे वाला पुल है उसके नीचे एक कोई फॉरेनर था, कंट्री मुझे याद नहीं, गोरा ही था, उस बंदे ने एक वियतनामीज बंदे को मार दिया था पीट पीट के, और उसके यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, और वो बंदा अंदर गिरा, भंड था और डूब के मर गया, और बंदे नदी के जस्ट उतनी दूर से वीडियो बना रहे हैं, और कोई बचाने नहीं गया था, कोई बचाने नहीं गया, बड़ा न्यूज़ में फेमस हुआ था। देवांग ज्यादा करा तो ही मार मार के फेंक दूंगा, यूट्यूबर होती है, और फिर यूट्यूब चैनल भी हड़प लूंगा तेरा, और वीडियो भी मोनेटाइज कर दूंगा मौत के बाद ही पैसे कमाऊंगा। तो भाई जैकेट ले ली हमने दोनों ने नई, ये देवांग ने ले ली, ये है गू इस जैकेट के साथ ये फ्री मिली है ये मतलब एक मेरी है यूनिक्रो स्टोर से, और इसकी है जीयू गू से, तो देवांग की पड़ी कुछ 4,000 yen की और मेरी थी 15,000 yen की, पर मेरी पे 10% ऑफ मिल गया पासपोर्ट लेके जाओगे तो, और 5,500 yen से ऊपर की शॉपिंग पे लगभग स्टोर्स पे टैक्स फ्री है, जैसे इस पे देखो ये लिखा हुआ जापान टैक्स फ्री, टैक्स के पैसे भी मिल जाते हैं, टैक्स के पैसे तुरंत ही मिल जाते हैं, जैसे आईफोन के भी, मतलब अब नहीं मिलते आईफोन पे, पर जब मैं खरीदा था पहले जब आया था तब तुरंत ही वापस दे देते उन्होंने पैसे, मतलब काटे ही नहीं थे एक तरह से। तो भाई इसकी थोड़ी क्वालिटी दोनों को हमको अच्छी लगी, खैर 10,000 जितनी तो मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भाई बिल्कुल ही 2.5 गुना का अंतर है, मज़ा ही आ गया, पर हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है तो सही चल जाएगी मेरे हिसाब से। तो आपको अगले आने वाली 6 सीरीज में यही जैकेट देखने को मिलेगा रशिया तक अरे पूरा साउथ अमेरिका एक येलो जैकेट में घूमा है तू, बातें बना रहा है, तीनों सफेद घूमते घूमते येलो। चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो भाई आज का आखिरी खाना हम खाएंगे रामेन, सबने सुना होगा रामेन रामेन या रेमेन कुछ भी कह लो, मतलब रेमेन ठंडी होती है, अच्छा रामेन गर्म होती है, सही बताओ, रेमेन रेमेन जो होती है ना वो ठंडी होती है, मेरे को लग रहा है उसको गर्मी में खाते हैं लोग ताकि अच्छा। इधर इधर लेफ्ट में, तो जैसे इंडिया में आते टॉप रामेन, तो मतलब इंस्पायर इसी से हुआ होगा वो नाम भी, रामेन तो सबसे नूडल्स एक तरह से, तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लगती है, मतलब इंडियंस को जो इन्होंने खिलाई है वो बहुत अच्छी लगी है आज तक जिन जिनको अपनी खिलाई है। तो कितना प्राइस क्या होता है, 1,900 yen एक बाउल का, सेट होता है बियर सेट इधर लेफ्ट में, चलो फिर खाते हैं। ओ ये आ गया क्या, मेरे को लगा ये रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में ना सीटिंग वगैरह बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, उसके लिए ही जा रहे हैं हम तो देखने। ये है भाई यहाँ पे मेन्यू, इसके बारे में थोड़ा ना अंदर जाके और बताएंगे, ये कहते हैं इसको इचीरान, तो ये चेन रेस्टोरेंट है, मतलब है ना मैकडोनल्ड्स की तरह, तो ऐसे ही होते हैं सेट है, देखो सिर्फ रामेन इतने की है, अंडा लोगे बियर सेट अलग से, आइसक्रीम आइसक्रीम खाना बहुत अच्छी है, अंडा तो दिमाग का फेवरेट है। तो ये है भाई रेस्टोरेंट ऐसा सा, हमको देखो कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा भाई, सिर्फ ओरिजिनल गुड्स लिखा है, नो पार्किंग और इचीरान बस। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा क्या है। तो आज भाई फ्राइडे इवनिंग है, तो इसमें वेटिंग थी कितने की, 1.5 घंटे की, तो हम दूसरी वाली ब्रांच में जा रहे हैं, मतलब मैंने बताया जैसे मैं की तरह इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांच है जापान में भी और वर्ल्ड वाइड भी है, तो चलते हैं दूसरी वाली ब्रांच में। ये क्या कर रहे हो, वो समझ में आ रहा है ये सब भाई, अब मैं जापानी जैसे कर पड़ लेता है।
तीन जनों के लिए रिजर्व कर दिया। ये अरे तीन लोगों की रिजर्व करिए, 20 साल से कम कोई भी नहीं है और स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग कोई भी सीट चलेगी। हाँ ये नहीं, ये हमारा वेटिंग नंबर है, अभी लोग वेट कर रहे हैं। 5 नंबर वाला 2 बंदे हैं, 6 नंबर वाला 2 बंदे हैं, हम 7 नंबर वाले 3 बंदे हैं, तो ये तो निकल जाएंगे, आसपास के खड़े होंगे तो वो बुलाएगी नानाबान, तो फिर नानाबान ये अपन जाएंगे अंदर। तो भाई इचिरान तो दूसरे वाला भी फुल निकला, तो हम आ गए अभी इज़ाकाया। इज़ाकाया होता है मतलब जैपनीज बार कह सकते हो, वैसे तो ये सब लोग सब चीज़ों के साथ ही बियर वगैरह पीते ही रहते हैं, पर इसमें क्या जैपनीज खाना मिलता है और ये भी ट्राई करना ही था। चलो इसमें थोड़ा बहुत खा लेंगे और वो आपको दिखाएंगे हम 11 बजे के करीब, 11 बजे मतलब आखिरी मेट्रो 12 बजे यहाँ से, तो 11 बजे वो दिखा देंगे और फिर आखिरी मेट्रो से ना चले जाएंगे। ऐड कर लो, ये इंग्लिश आ गया, अब बाकी तुम कर ही सकते हो। तो इसमें ये सारे जैपनीज फूड रहते हैं, जैसे ये चिकन के सारे डिशे रहते हैं, खारे ये सॉस होती है शियो, मतलब तुम्हारे नमक वाले रहते हैं नमकीन, खुशी जो वहाँ कुछी गाचो का रेस्टोरेंट देखा था, इस तरह के ना ये स्पेशलिटी इनकी, ये लिमिटेड है, ये आज ख़त्म हो जाएगा फिर ऑर्डर नहीं कर सकते। और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक है और ये स्पीड मेन्यू में बहुत जल्दी आता है खाना, और ये सारा जैपनीज है, तो चलो ऑर्डर कर लो। तो भाई ये आ गया हमारा, ये शिमला मिर्च है, इसके अंदर चिकन कीमा भरा हुआ है, चिकन मिंच, हाँ मिंच मतलब वही कीमा टाइप। ये क्या है? ये स्प्रिंग रोल टाइप का, ये 3 पीस आए थे ना, 2 अच्छा। और ये डंडी इसमें डालनी पीछे या निकालना है बम्बू की, अच्छा ये बम्बू में डाल सारी इसमें। अभी और भी आया है, ये 2 चीज अभी आई है और दिखाता हूँ, अब भूख लगी थी जल्दी जल्दी खा गए, ये वेट नहीं कर रहे हैं। अब आ गए थे कबाब, 6 कबाब आए हैं ये, और अब आ गए ये क्या है, चीज़ कोरोके। तो यार मेरे को तो खाना बढ़िया लग रहा है यार, यहाँ का चिकन काला जो खाना है बढ़िया यार। तो भाई ये आया है अपना चीज, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, बस ये पॉपकॉर्न ठीक थे, मतलब अच्छे थे। अब इनका पेमेंट करके चलते हैं, यहीं से हो जाती है पेमेंट पे, आप जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ करेंगे कंफर्म, तो वो बंदा आएगा लेने, काउंटर पे जाना, टैक्स फ्री है। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अजय भाई अजी थैंक यू सो मच, कोई नहीं हमको ऑक्टोपस खिलाने के लिए। तो भाई अभी बज गए हैं रात के लगभग 10 और अब हम निकल लेते हैं क्योंकि मेट्रो भी 12 बजे बंद हो जाती है, तो अभी चले जाते हैं, थक गए थोड़े और कल का दिन और लंबा रहेगा, इनको अब दूसरे स्टेशन से जाना है। चलो तो अब या तो इंडिया में मिलते हैं या फिर दोबारा चौथी बार जापान आओगे तब देखते हैं अगर रिस्पांस अच्छा है इस चीज़ से। ठीक है, देख तो सभी कुछ लिया ही है लगभग। चलो वीडियो को रखते हैं तक, अब मिलते हैं अब अगली वीडियो पे, और अजय भाई का चैनल भी चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, क्या नाम से? अजय पांडे। पहले भोजपुरी आएगा उस नीचे करना फिर मेरा आएगा। ये जापान की ही वीडियो बनाते हैं, अभी यहाँ पे बुलेट खरीदी है रॉयल एनफील्ड, वो यहाँ पे भी मिलती है, मतलब यहाँ पे बहुत महंगी पड़ी है, वो इनकी वीडियो में जाके देखना कैसे क्या प्रोसेस होता है, बड़ा खतरनाक प्रोसेस है यहाँ बुलेट खरीदने का भी।